सब्सक्राइब कीजिए नंदा हार्दिक चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को, उससे आपको सबसे पहले मेरी न्यूज मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम यहाँ पे यूपीएस के प्रॉब्लम के अंदर एक नया टॉपिक देखने जाएंगे, उसके बारे में आज बात करने वाले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो और बात करते हैं यहाँ पे रॉन्ग कोड डिस्प्ले ऑन एलसीडी, यानी कि आज हम बात करने वाले दोस्तों यहाँ पे जो अपने पास यूपीएस है, यूपीएस के अंदर मैंने काफ़ी सारे जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे उन सभी की यहाँ पे मैंने आपको डिटेल्स में जानकारी दी थी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। उसी के अंदर एक टॉपिक है यहाँ पे कि आपके पास जो यूपीएस है उसके अंदर रॉन्ग कोड डिस्प्ले ऑन एलसीडी, यानी कि एलसीडी के ऊपर रॉन्ग कोड डिस्प्ले होता है या फिर जो कोड है वो डिस्प्ले नहीं होता है। जैसे कि मैं बताऊँ यहाँ पे, तो आपको एक बात बताता हूँ। जैसे अपने पास यहाँ पे मान लो कि एक यूपीएस है, यूपीएस का ये फ्रंट व्यू मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। ये यूपीएस हो गया, यहाँ पे काफ़ी एक होगी यहाँ पे डिस्प्ले, ये होगी डिस्प्ले, और उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारे बटन्स होते हैं जैसे कि रिस्टार्ट, ऑन, ऑफ, फिर अप डाउन, फिर ये वोल्टेज कम ज़्यादा वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे कंट्रोलिंग, मतलब इसको कंट्रोल बटन होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक पेन एलसीडी होती है। अब एलसीडी को यहाँ पे बड़ा करके दिखाता हूँ। जैसे कि अपनी ये डिस्प्ले है, डिस्प्ले होगी, एलसीडी होगी स्क्रीन। अब इस स्क्रीन में क्या होता है, जैसे कि अपने आपके घर के अंदर आपने देखा होगा कि डिजिटल मीटर होते हैं, तो डिजिटल मीटर में यहाँ पे नंबर न्यूमेरिक आते हैं, जैसे कि ऐसे करके जीरो, एक तो पहले जीरो जीरो अपनी यहाँ पे जीरो, यानी कि जीरो और एट की मदद से यहाँ पे काफ़ी सारे डिस्प्ले नंबर किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे होगी ये डॉट डॉट डॉट। अब मान लो कि आपको यहाँ पे एक शो करना है तो वन शो करना है तो किस तरह से शो कर पाओगे, इसमें से वन शो करना है तो वन इस तरह से होगा। अब मान लो कि ये जो डिस्प्ले कोड है, यानी कि यहाँ पे 1 kW, फिर यहाँ पे पावर आता है 230 volt, या फिर मान लो कि यहाँ पे एम्पियर कितना आता है, मान लो कि 2 एम्पियर, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ आता है। जो ये डिस्प्ले है यहाँ पे यूपीएस है अपना, ये यूपीएस है उसकी ये डिस्प्ले, मैं यहाँ पे बड़ी करके दिखाता हूँ आपको, ये यूपीएस की डिस्प्ले है। इस डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे काफ़ी कुछ लिखा हुआ आता है, जैसे कि पावर कितना यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, लोड कितना बढ़ रहा है, हाई लोड है, अलर्ट है, मान लो कि कोई अलार्म, मैंने इसके पहले वीडियो बनाया था कि काफ़ी सारे अलार्म यूपीएस के अंदर रिंगिंग करते रहते हैं, तो जो अलार्म आता है वो अलार्म के अंदर कंटिन्यू एक कोई पॉइंट होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ था F1, तो ये एक F1 हो गया, वो कोड हो गया। अब F1 कौन सा फॉल्ट है वो यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर दिखेगा कि, यानी कि F1 अलार्म ऐसा करके आ जाएगा, तो इसका मतलब F1 का वहाँ पे इंडिकेशन होता है। अलग अलग कंपनी के अलग अलग इंडिकेशन होते हैं, जैसे कि F1 हो गया तो वो मान लो कि कोई कंपनी में लिखा होता है कि भाई अंडर वोल्टेज, काफ़ी कंपनी में होता है ओवर वोल्टेज, काफ़ी कंपनी में होता है कि यहाँ पे पावर फेलियर, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई आती है। तो इस तरह की एक डिस्प्ले आती है, तो इसके डिस्प्ले के काफ़ी सारे ऐसे एलसीडी, जिसको बोलते हैं हम एलसीडी कोड, यानी कि यहाँ पे कोड आता है जो एलसीडी के ऊपर, वो कोड आता है वो काफ़ी बार रॉन्ग आते हैं। रॉन्ग कोड आना जिसके अंदर कुछ माल फंक्शनिंग हो गया हो तो उसकी वजह से हो सकता है, या फिर जो कोड होते हैं वो आधे अधूरे दिखना, जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया था F1। अब F1 को क्रिएट करने के लिए मैंने बताया था ना, तो जैसे कि F1 है तो इसका इतना ही दिखेगा और इतना दिखा, तो ये वाला जो पॉइंट है वो शो नहीं कर रहा है तो वो हो गया, या फिर काफ़ी सारी चीज़ें, तो जिसके अंदर यहाँ पे काफ़ी सारे फॉल्ट हो सकते हैं। जैसे कि ये इतना ही आ रहा है F1 के अंदर, इतना ही आ रहा है, F पूरा नहीं आ रहा है, तो उसका मतलब हो सकता है कि LCD है वो LCD ख़राब हो सकती है, ठीक है, या फिर उसके पीछे वाले कनेक्शन वायरिंग वो भी लूज़ हो सकते हैं, या फिर जो ये वाली इतनी डिस्प्ले होती है इसके पीछे की साइड में जो कोड होती है इतनी ऐसे लाइनिंग वो ख़राब, ये पैनल ख़राब हो सकती है, तो इसको हमें रिप्लेस करने की ज़रूरत है। या फिर मान लो कि अपने पास जो वायरिंग है पूरी वो वायरिंग डैमेज हो सकती है, या फिर कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए, या काफ़ी सारे ऐसे फॉल्ट हो सकते हैं जिसकी मदद से यहाँ पे रॉन्ग कोड एलसीडी के अंदर डिस्प्ले होते हैं। तो ये इस तरह के काफ़ी सारे फॉल्ट होते हैं जहाँ पे फिजिकली हम जब वेरीफाई करेंगे तभी पता चलता है कि जो अपने पास यहाँ पे एलसीडी है उस एलसीडी के अंदर रॉन्ग कोड डिस्प्ले हो रहा है, तो उसमें मेन प्रॉब्लम क्या हो सकता है। तो ये इस तरह के काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स है। अगर आपको इसके बारे में ऑल डिटेल्स में जानकारी चाहिए कि एलसीडी किस तरह से यूपीएस की वर्क करती है, क्या है वगैरह, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिए, मैं इसके बारे में आपको पूरे डिटेल्स में एक वीडियो बना के लेके आऊँगा और इसके बारे में बताऊँगा। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए मेरे चैनल को और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स दोस्तों।